Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लॉ ऑफ टॉर्ट का एक टॉपिक है नेग्लिजेंस. उसमें एक सब टॉपिक है, आपसे पूछा जाता है रेस इप्सा लॉक्यूटर, एक मैक्सिम है, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है. तो आज मैं आपको इस डॉक्ट्राइन या इस मैक्सिम की डिटेल बताऊंगी. तो शुरू करते हैं. देखिए, जो रेस इप्सा लॉक्यूटर होता है, इसका मतलब होता है द थिंग्स स्पीक्स फॉर इट्सेल्फ. क्या मतलब होता है रेस इप्सा लॉक्यूटर का? मतलब होता है थिंग्स स्पीक्स फॉर इट्सेल्फ. इसका मतलब हमें, जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें किसी और को हमें उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती. उस चीज़ को देखते ही खुद हमें उसके बारे में जो है पता चल जाता है. तो इसी चीज़ को बोलते हैं थिंग्स स्पीक्स फॉर इट्सेल्फ. अब मैं बताती हूँ कि नेग्लिजेंस के केस में क्या होता है, क्योंकि ये नेग्लिजेंस के से ही रिलेटेड टॉपिक है. तो नेग्लिजेंस में क्या होता है कि डिफेंडेंट, जिसको कोई केयर करनी थी, वो उसकी केयर ना करके बड़े केयरलेस ढंग से कोई काम करता है, जिससे प्लेंटिफ को डैमेज हो जाती है, तो उसे नेग्लिजेंट कहते हैं. अब नेग्लिजेंस के केस में प्लेंटिफ को पूरा राइट होता है कि वो डिफेंडेंट के अंगेंस्ट नेग्लिजेंस का केस कर दे. यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूविंग है वो डिफेंडेंट पे ना होके प्लेंटिफ पे होता है, कि उसको ये प्रूव करना होता है कि इस केस में डिफेंडेंट ने नेग्लिजेंस किया है और इसीलिए मैं ये केस जो है फाइल कर रहा हूँ. तो बर्डन ऑफ प्रूविंग किस पे होता है? प्लेंटिफ पे होता है. जब एक बार प्लेंटिफ केस फाइल कर देता है, फिर जो डिफेंडेंट होता है वो ये प्रूव करता है कि नहीं, मैंने कोई भी नेग्लिजेंस से वर्क नहीं किया. तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको. लेकिन कभी कभी जो होता है, हम ये वाली प्रिजम्पशन अपने आप मान लेते हैं कि डिफेंडेंट की गलती की वजह से हुआ है. प्लेंटिफ को कुछ भी प्रूव नहीं करना होता है कि ये प्लेंटिफ की गलती से हुआ है, बल्कि एक्सीडेंट को देख के या केयरलेस वर्क को देख के हम खुद ही कह देते हैं कि भाई इसमें डिफेंडेंट की ही गलती है. तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, प्रिजम्पशन ऑफ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, हम खुद ही ले लेते हैं एक्सीडेंट या किसी केयरलेस वर्क को देखते हुए. तो इसी को बोलते हैं रेस इप्सा लॉक्यूटर. तो आपको समझ में आ गया, अगर ये वाला मैक्सिमम हम किसी केस पे अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे प्लेंटिफ को जो डिफेंडेंट है उसका नेग्लिजेंट प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस एक्सीडेंट को देख के हम खुद ही पता लगा रहे हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट डिफेंडेंट की गलती से हुआ है. तो आई थिंक कि आपको इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया. अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके एसेंशियल क्या क्या होते हैं. देखिए, ये तीन एसेंशियल अगर पूरे हो जाते हैं तभी माना जाएगा कि ये मैक्सिमम अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं मानेंगे. तो पहले क्या है, जो इवेंट है या जो एक्सीडेंट है वो ऐसा होना चाहिए जो कि ऑर्डनरी कोर्स में नहीं होता. अगर ऑर्डनरी कोर्स में ही हो जाता फिर तो डिफेंडेंट की कोई गलती ही नहीं है, भाई वो तो ऑर्डनरी वैसे होता ही होता है. तो एक्सीडेंट ऐसा होना चाहिए जो कि ऑर्डनरी कोर्स में नहीं होता. तो इसका मतलब है वो डिफेंडेंट की गलती की वजह से ही हुआ होना चाहिए. ठीक है, अगर ऑर्डनरी कोर्स में नहीं हुआ तो इसका मतलब किसकी वजह से होना चाहिए? वो डिफेंडेंट की गलती की वजह से. मैं यहाँ पे आपको लीडिंग केस बताती हूँ तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. इसमें बड़ा फेमस लीडिंग केस हुआ था आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती. ठीक है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती का केस था. इसमें क्या था, दिल्ली में एक चांदनी चौक है, बड़ी फेमस जगह है, वहाँ पे क्लॉक टावर लगा हुआ था. अब वो क्लॉक टावर जो है गिर जाता है, उसके गिरने से उसके नीचे 5-6 लोग आ जाते हैं और उनकी जो है डेथ हो जाती है. तो फिर जिसकी डेथ हो जाती है उनका एक रिलेटिव जो है डिफेंडेंट पे जो है, जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उस पर केस कर देता है कि आपकी नेग्लिजेंट की वजह से ही ये एक्सीडेंट हुआ है, ये ऑर्डनरी केस में एक्सीडेंट नहीं है. अब कोर्ट में केस फाइल हो जाता है. कोर्ट पूरे सर्कमस्टांसेस को जो है देखता है, इंक्वायरी की रिपोर्ट देखता है, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देखता है, फिर वो डिसाइड करता है कि जो क्लॉक टावर है ये 80 साल पुराना था और इसमें जो मटेरियल लगा हुआ था वो इतना मटेरियल इस टाइप का लगा था कि वो बिल्डिंग जो है, जो क्लॉक टावर की बिल्डिंग थी, उसकी लाइफ सिर्फ जो थी 40 से 50 साल की थी और ऑलरेडी वो तो 80 साल का पुराना हो चुका था. तो ये दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी
कि ऐसी बिल्डिंग की वो प्रॉपर मरम्मत कराते, रिपेयर कराते जिससे कि वो क्लॉक टावर नहीं गिरता। तो यहाँ पे ये जो है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो नेग्लिजेंसी थी उसे मेंटेन करने की, उसकी वजह से ही गिरा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा मैक्सिम लग जाएगा? रेस इप्सा लॉकेटर का। तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ था उसे ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गलती है। एक्सीडेंट को देख के खुद समझ में आ गया कोर्ट को कि ये जो है डिफेंडेंट की ही गलती है। क्लियर हो गया? अब सेकंड था, जो एक्सीडेंट है वो किसके कंट्रोल में होना चाहिए? वो कंट्रोल में होना चाहिए डिफेंडेंट के। देखिए, डिफेंडेंट के ऊपर हमने इल्जाम लगाया ग्रॉस नेग्लिजेंस का, तो अगर जो एक्सीडेंट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट के कंट्रोल में था और उसकी केयरलेसनेस की वजह से हो रहा है, तभी हम इस डॉक्ट्राइन को जो है अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको इसका एक लीडिंग केस बताती हूँ, तो उसे आपको जब मैं बताऊंगी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे वो डिफेंडेंट के कंट्रोल में था। देखिए, इसका केस था चीफ एक्सिक्यूटिव ऑफिसर सेस्को वर्सेस प्रभाती साहू। कौन सा केस था? चीफ एक्सिक्यूटर ऑफिसर सेस्को वर्सेस प्रभावती साहू। इस केस में क्या हुआ था, ये जो बोर्ड था इसकी पूरी ड्यूटी थी कि जो भी हाई टेंशन वायर जाते हैं, जो भी हाई टेंशन वायर आपके कहीं भी फैले हुए होते हैं, चाहे किसी खेत के ऊपर से गुजर रहे हो या आपके हाईवे के ऊपर से गुजर रहे हो, तो उन्हें उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस करनी होती है। अगर कोई लो हाइट पे आ रहा है तो उसको जो है प्रॉपर नोटिस लगाना चाहिए कि यहाँ से निकलना बड़ा डेंजरस है, जब तक कि इसकी जो है रिपेयर नहीं हो जाती। तो ऐसे हाई टेंशन वायर था वो बहुत नीचे तक आ रहा था, उसमें प्लेंटिफ जो था उसका जो रिलेटिव था वो उस हाई टेंशन वायर को उसने छू लिया और जिसकी वजह से उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो जो है डेथ हो गई। तो इस केस में डिसाइड किया गया कि यहाँ पे जो तार का गिरना था और जिस एक्सीडेंट की वजह से उस व्यक्ति की डेथ हुई वो पूरी तरीके से डिफेंडेंट के कंट्रोल में थी, क्योंकि एक तो अगर वो तार नीचे लटका हुआ था तो उसे ऊपर ले जाके उसे टाइट करना था, मोर ओवर उन्होंने ऐसा कोई नोटिस भी नहीं लगाया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी है, ऑन है या इसे हमने ऑफ कर दिया, क्योंकि प्रूव मिला कि वो इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी ऑन थी क्योंकि कंज्यूमरों के घरों तक जा रही थी। तो उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी भी उन्होंने पावर कट ऑफ नहीं किया हुआ था, तो उसमें जो करंट थी पूरी तरह से एक्टिव थी जिसकी वजह से उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा। तो माना जाएगा कि इस केस को हमें देखते ही समझ में आ जाता है कि डिफेंडेंट की गलती है। प्लेंटिफ को यहाँ पे डिफेंडेंट की गलती को, उसके केयरलेस एक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थिंग्स स्पीक्स फॉर इट्स। क्लियर हो गया? अब इसका थर्ड और लास्ट एसेंशियल है एब्सेंस ऑफ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। देखिए, अगर किसी एक्सीडेंट को देख के हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि ये डिफेंडेंट की गलती से हुआ है, तो ये वाला मैक्सिम अप्लाई होगा। लेकिन अगर एक्सीडेंट को देख के हमें डिफरेंट जो है वो आती है एक्सप्लेनेशन, भी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, फिर ये वाला मैक्सिम अप्लाई नहीं होगा। तो किसी केयरलेस वर्क को देख के, किसी एक्सीडेंट को देख के आपको सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में आती है और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आती, इट मीन देयर इज एब्सेंस ऑफ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन, तो आपका ये जो रेस इप्सा का मैक्सिम है ये अप्लाई हो जाएगा। इसमें भी एक बहुत अच्छा केस हुआ था एसके अलाया वर्सेस धीरेन्द्र नाथ का। कौन सा केस था ये? एसके अलाया वर्सेस धीरेन्द्र नाथ का। इस केस में क्या हुआ, एक ऑटो रिक्शा वाला था वो जो है एक रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करने के लिए मतलब सोच रहा था और वो अनमैन थी इसलिए उसके रेलवे फाटक भी बंद नहीं थे और गाड़ी जो ट्रेन थी बहुत ही तेज स्पीड से अप्रोच कर रही थी। उसको देखते हुए भी ऑटो रिक्शा ने उस जो रेलवे क्रॉसिंग थी उसे क्रॉस करने की कोशिश करी, जिससे वो रेल से टकरा गया और वो ऑटो रिक्शा जो था रगड़ता हुआ काफ़ी माइल तक चला गया और उसमें जो लोग बैठे हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गए। तो फिर जो है प्लेंटिफ ने ऑटो रिक्शा वाले के ऊपर केस कर दिया कि ये पूरा का पूरा जो है नेग्लिजेंस का केस है। कोर्ट ने डिसाइड किया ये जो एक्सीडेंट को देख के हम कह सकते हैं कि इसमें ऑटो रिक्शा जो है बिल्कुल अपनी गलती पे था, जब रेलवे क्रॉसिंग के फाटक बंद नहीं है, वहाँ पे कोई मैन नहीं है जो आपको सिग्नल दे और ट्रेन आ रही है, तो अगर कोई भी उसे क्रॉस करेगा तो वो तो ट्रेन से टकराएगा ही टकराएगा। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि ऑटो रिक्शा ने ट्रेन आते हुए भी अगर निकाला तो वो एक्सीडेंट तो हो नहीं था। तो यहाँ पे ऑटो रिक्शा वाला जो था नेग्लिजेंट का दोषी था और प्लेंटिफ को ये प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं थी
क्योंकि थिंग्स वर स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ और रेस्ट इप्सा का मैक्सिम यहाँ पे एप्लीकेबल था। तो आपको क्लियर हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट इप्सा मैक्सिम और उसके क्या क्या एसेंशियल होते हैं, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं अगर रेस्ट इप्सा का हमारा मैक्सिमम अप्लाई होता है तो फिर उसका इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ रूल ऑफ रेस्ट इप्सा। अब जब रेस्ट इप्सा का मैक्सिमम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अप्लाई हो जाता है, जब उसके सारे एसेंशियल पूरे हो जाते हैं और ये अप्लाई हो जाता है, तो फिर प्लेंटिफ को जो है ये प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि डिफेंडेंट ने जो है नेग्लिजेंटली वर्क किया था। ऑटोमेटिकली हम ये मान लेते हैं कि इसमें डिफेंडेंट की ही गलती थी, दैट्स व्हाई ही इज लायबल फॉर द नेग्लिजेंस, क्योंकि हम ये प्रिजम्पशन ऑफ नेग्लिजेंस ऑटोमेटिकली ले लेते हैं जब ये मैक्सिमम जो है अप्लाई होता है। तो इसका इफेक्ट क्या है कि यहाँ पे प्लेंटिफ को जो है प्रूव करने की जरूरत नहीं है गलती को डिफेंडेंट की, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये एज्यूम कर लिया जाता है कि डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से ही ये एक्सीडेंट हुआ था। इसमें काफ़ी सारे फेमस केस हुए हैं तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ इसमें बताती हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस लॉ इसमें हुआ था निहाल कौर वर्सेस डायरेक्टर PGI चंडीगढ़। तो ये केस कौन सा था, निहाल कौर वर्सेस डायरेक्टर PGI चंडीगढ़। इस केस में एक डॉक्टर ने एक पेशेंट का ऑपरेशन किया और उसके पेट में सीजर छोड़ दी। अब जब उसका ऑपरेशन हो गया तो उसने सीजर छोड़ रखी थी उसके पेट में, तो जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो अभी तक उनको पता ही नहीं चला था कि उस पेशेंट के जो है पेट में सीजर भी है, ना ही उस व्यक्ति को पता था। उसको तो बस ये था कि उसको इन्फेक्शन हुआ, पस पड़ गई उसकी बॉडी में और उसकी डेथ हो गई। अब जब उसको क्रिमेट किया गया तो उसकी जो राख बची उसमें से वो कैची निकली, तब पता चला कि डॉक्टर ने ऑपरेशन करते समय कैची उसके पेट में छोड़ दी थी। तो माना गया यहाँ पे जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया था ही इज लायबल फॉर नेग्लिजेंट, क्योंकि ये एक्सीडेंट खुद ही बोल रहा था कि यहाँ पे कैंची छूट गई जिसकी वजह से उसको पस पड़ गई और उसकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे ये रेस इप्सा का मैक्सिमम एप्लीकेबल हुआ। अब नेक्स्ट है स्टेट ऑफ MP वर्सेस आशा देवी। कौन सा केस है ये, स्टेट ऑफ MP वर्सेस आशा देवी। इसमें क्या था, एक पुलिस वैकेंट जो है 30-40 कॉन्स्टेबल को लेके जो है जा रही थी। जब वो जाते हैं तो वो 30 की स्पीड पे जा रहे होते हैं, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक बहुत ही जिग जैग करते हैं, बहुत ही पतली सी जो है गली आती है और उसमें वो निकलते हैं। तो उसमें स्पीड बिल्कुल उसमें से निकलने के लिए 30 की स्पीड ना होकर 10 की स्पीड होनी चाहिए थी, क्योंकि वो बहुत ही छोटी संकरी सी गली थी और वो भी बड़े टेढ़े मेढ़े तरीके से। तो उस वक्त क्या होता है कि वैसे 30 की स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन उस गली के हिसाब से वो बहुत तेज थी, जिसकी वजह से वो गाड़ी उलट जाती है और उसमें 4-5 कॉन्स्टेबल की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे माना गया, और सबसे बड़ी बात थी जो ड्राइवर सीट थी उसके पास भी 4-5 कॉन्स्टेबल ठूस ठूस के बैठे हुए थे, जिससे कि ड्राइवर जो था गियर को भी अच्छे से चेंज नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे माना गया जो ड्राइवर था वो बिल्कुल नेग्लिजेंट का दोषी है, और यहाँ पे सर्कमस्टांसेस खुद बता रही है, किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ड्राइवर दोषी था, यहाँ पे ड्राइवर की गलती की वजह से ही ये एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ पे रेस्ट इप्सा का केस लगा और ड्राइवर को जो है नेग्लिजेंट ठहराया गया। लास्ट केस है आपका कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस कृष्णा का केस। कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस कृष्णन का केस। इसमें क्या होता है, दो बसें जो हैं मतलब बिल्कुल बराबर बराबर से गुजरती हैं, और वो इतनी बराबर से गुजरती है कि दोनों बसें जो हैं आपस में एक दूसरे को टच करते हुए निकल जाती हैं। अब नॉर्मली आपने देखा होगा लोग बाग जो हैं अपने हाथ को जो है विंडो सीट पर रख के बैठते हैं, तो जब दोनों बसें बिल्कुल बराबर से गुजरी तो एक आदमी जिसका शोल्डर से आगे का हाथ जो था बाहर की तरफ था, वो हाथ कट गया। तो इसमें माना गया कि इसमें ड्राइवर का नेग्लिजेंट प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि दोनों ही बसों के ड्राइवर इतनी रैश ड्राइविंग कर रहे थे कि जब बस दोनों ड्राइव करते बिल्कुल पास पास से घिसड़ कर गई तो उसकी वजह से ही पैसेंजर का हाथ खड़ा। तो यहाँ पे भी रेस्ट इप्सा का केस जो है अप्लाई हुआ, और प्लेंटिफ को ये प्रूव करने की जरूरत ही नहीं थी कि ड्राइवर की गलती से हुआ। ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट को देख के ये पता चल गया कि ये दोनों बसों की ड्राइवर की गलती से ही एक्सीडेंट हुआ है।
तो आई थिंक कि आपको रेस इप्सा का मीनिंग भी पता चल गया और कौन कौन से एसेंशियल होते हैं जो कि पूरे होने चाहिए जब हम इसका बेनिफिट प्लेंटिफ ले सकता है, और अगर हमारा रेस इप्सा का मैक्सिम किसी भी एक्सीडेंट में अप्लाई होता है तो फिर उसके क्या इफेक्ट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जब आप बुक से पढ़ते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट आई फील कि मैंने आपको लेक्चर बड़ा ल्यूसिड और बड़ी इजी लैंग्वेज में समझाया। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिससे उनको भी जो है इसकी नॉलेज हो जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।